हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मेंस के लिए। एंड ये क्वेश्चन लिया है मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होती है, तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है मेन्स के लिए ये है डाइस थ्रोन, मतलब जो आपकी डाइस होती है उसको फेंका जाता है, तो उस पर बेस्ड पजल। काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो इस पर बेस्ड आने लगे हैं डाइस पर, तो देखने में ये थोड़ा सा लगता है कि टफ है, अच्छे लेवल का है, बट न्यू पैटर्न है तो कुछ इतना टफ नहीं होता। अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से इसकी जो लैंग्वेज होते हैं उसको समझते हैं, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी देखा था मैंने, एक दो लोग बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाइए, तो आज देखते हैं। इसमें है फ्लोर पजल प्लस डाइस थ्रोन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हिंदी वाले पर्सन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड मैं मूव करती हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, देखो जब भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा टाइम देना सीखें। ठीक, आपको देना ही पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि जो न्यू पैटर्न होता है उसको समझने के लिए समय लगता है। अगर मैं थोड़ी सी अगर आपको ठीक से बताऊं, तो अगर किसी ने भी यहाँ पर IBPS PO मेंस अभी जो हुआ था वो दिया है, तो उसमें एक DI आई थी जो कि बैटरी बेस्ड थी। ठीक, मैंने भी दिया था, तो वो जो था वो न्यू पैटर्न था, लेकिन जिन भी पर्सन ने वो अटेम्प्ट की होगी, 10 नंबर की वो DI आई थी, एंड 10 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो एक एक दो दो नंबर भी अटेम्प्ट नहीं कर कर आए हैं, एक एक दो दो नंबर की मैथ अटेम्प्ट नहीं कर कर आए हैं। तो वो जो DI थी वो देखने में तो बहुत ही, मतलब उसको इस तरीके से बनाया गया था कि बहुत टफ लग रही थी, बट वो DI टफ नहीं थी। अगर या तो आपने समझदारी दिखाई हो कि उसे बिल्कुल टाइम ना दिया हो और आप बाकी क्वेश्चन से मूव कर गए हो, तो वो गुड है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी पर्सन ने उसको टाइम दिया थोड़ा सा और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी होगी, तो वो 10 नंबर पूरे लेकर आया होगा, क्योंकि वो जो DI पूरी बनाई गई थी वो न्यू पैटर्न पर थी। थोड़ी सी उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो टफ लगे, लेकिन अगर किसी ने उसको जरा सा टाइम देकर, जरा सा इन दी सेंस 3 से 4 मिनट का टाइम देकर अगर उसको समझने की कोशिश की होगी, तो फिर वो उस DI को बहुत ही आसानी से बनाकर आया होगा। ठीक, तो ऐसा रीजनिंग में भी होता है। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, मैथ इसलिए एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि वो टॉपिक एक ऐसा आया था जो कि आपका न्यू था, अलग था, बट ईजी था, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है। रीजनिंग मैथ्स दोनों एक ही जैसी बात हो गई है आजकल। रीजनिंग में भी अगर कोई आपका न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है। बट ध्यान रखें जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में दे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि देयर आर 3 बिल्डिंग्स, यहाँ पर आपकी 3 बिल्डिंग्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक, ए बी और सी 3 बिल्डिंग्स हैं, एंड ईच बिल्डिंग हैज 4 फ्लोर्स। तो यहां पर क्या है, आपका हर बिल्डिंग में 4 फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 एंड फ्लोर 4। एक्चुअली देखो 1 हमेशा नीचे होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होता है ना। तो अभी इस पे ज्यादा आप लॉजिक ना लगाएं, इनको हम बाद में देखेंगे। आगे इन्होंने ये कहा है कि टॉप मोस्ट फ्लोर को इन्होंने नंबर 1 दिया है एंड बॉटम मोस्ट को नंबर 4 दिया है। ठीक, फिर इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि ईच फ्लोर हैज डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स, कि सारे जो भी फ्लोर्स हैं उसमें क्या है, आपके डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स हैं, यानी कि ये जो फ्लोर आपके दिए गए हैं फ्लोर नंबर 1, 2, 3, तो इसमें ये जो नंबर्स पड़े हैं 23, 55, 96, ये क्या है, आपके डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स है ना। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग ए इज इन द वेस्ट ऑफ बिल्डिंग बी, कि बिल्डिंग ए जो है वो क्या है, बिल्डिंग बी की वेस्ट में है, एंड बिल्डिंग बी इज इन द वेस्ट ऑफ बिल्डिंग सी, और बिल्डिंग बी जो है वो वेस्ट में है सी के, यानी कि ए वेस्ट में है बी के और सी वेस्ट और बी वेस्ट में है किसके, सी के, है ना। उसके बाद आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ टेबल्स इन ईच फ्लोर इज गिवेन एज फॉलोज। देखो अब यहाँ पे जो फ्लोर नंबर 1 दिया गया है, ये क्या है, आपका ए फ्लोर है, सॉरी ए बिल्डिंग है, ये आपकी बी बिल्डिंग है और ये आपकी सी बिल्डिंग है। ठीक, तो इसमें अब आपका क्या है,
ए बिल्डिंग में जो फ्लोर नंबर 1 है उसमें 23 टेबल्स हैं, फ्लोर नंबर 2 में 84 टेबल्स हैं, फ्लोर नंबर 3 में 40 टेबल्स हैं, फ्लोर नंबर 4 में 33 टेबल्स हैं। सेम आपका बी में फ्लोर नंबर 1 में 55, 19, 65 एंड 67 एंड सो ऑन। ठीक ऐसे ही आपकी सी में भी है। इसके बाद उन्होंने जब सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो उन्होंने ये कहा है कि आपकी दो डाइस है, ठीक, तो दो डाइस को फिर एक संग फेंका जाता है, ठीक है, कैसे फेंका जाता है, साथ में फेंका जाता है। एंड उसमें जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें नंबर्स ऐसे अपेयर होते हैं, ऑड एंड इवन, ठीक, मतलब दो डाइस फेंकी जा रही है तो ऑब्वियसली किसी एक में या तो ऑड होगा या इवन होगा, एक में दूसरे में इस वाले में इवन होगा तो इसमें ऑड होगा, या फिर दोनों में ऑड हो सकता है और दोनों में इवन हो सकता है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक, फिर इन्होंने ये कहा है कि टू डाइस आर थ्रोन एंड द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फॉलोड। तो इन्होंने ये कहा है कि जो दो डाइस फेंकी जाती हैं लगातार तो उसमें आपकी ये कंडीशंस फॉलो होंगी। क्या कंडीशंस है उनको देखते हैं। पहली कंडीशन इन्होंने ये कही है कि इफ नंबर अपेयर्स ऑन बोथ डाइस आर इवन, कि जब आपकी डाइस फेंकी गई हैं दोनों ही डाइस में अगर आपकी इवन नंबर आता है, देन टेबल्स इन फ्लोर 2 ऑफ बिल्डिंग ए विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द फोर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आपका फ्लोर 2 है ऑफ बिल्डिंग ए, ठीक है, ये जो फ्लोर 2 है ए बिल्डिंग का, यानी कि ये 84 जो है, इसको आप क्या करोगे, विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द फोर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी। तो इसको आप क्या करोगे, जो बिल्डिंग बी है यानी कि ये वाली बिल्डिंग जो है, इसमें आप 84 टेबल्स को इक्वली बांट दोगे, तो 84 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी कि आप 21 55 में ऐड कर दोगे, 21 आप 19 में ऐड कर दोगे, 21 65 में और 21 67 में ऐड कर दोगे अगर आपका दोनों डाइस पर इवन आता है तो। ठीक है, सेकेंड नंबर पे इन्होंने ये कहा है कि इफ नंबर अपेयर्स ऑन बोथ डाइस आर ऑड, कि अगर आपके जो नंबर्स हैं दोनों डाइस पर कैसे आते हैं, ऑड आते हैं, ठीक है, देन द टेबल इन फ्लोर 3 ऑफ ईच बिल्डिंग विल बी एडेड एंड विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 रिमेनिंग फ्लोर्स ऑफ 3 बिल्डिंग। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका दोनों ही डाइस पर ऑड नंबर आता है तो फ्लोर नंबर 3 जो है, ठीक है, फ्लोर नंबर 3 की जो टेबल्स हैं, ठीक, इन इनको क्या करा जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा तीनों को, यानी कि 40 प्लस 65 प्लस 52, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लिया जाएगा, और तीनों को ऐड करने के बाद इनको बाकी की जो 9 है, बाकी के 9 इन दी सेंस, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, इन तीनों में इक्वली बांट दिया जाएगा। ठीक, तो 40 प्लस 65 प्लस 52 इसको आप ऐड कर लेंगे, तीन से डिवाइड, 9 से डिवाइड करेंगे, और 9 से डिवाइड करने के बाद आप जो भी अमाउंट आएगी, वो जो भी नंबर आएगा, जो भी डिजिट्स आएंगे, उनको आप 23, 55, 96 इन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या इक्वली ऐड कर देंगे, है ना। आगे देखते हैं, फिर इन्होंने ये कहा है कि इफ द नंबर अपेयर्स इन फर्स्ट डाइस, अगर आपकी जो फर्स्ट डाइस है उसमें इवन नंबर आया है एंड इन सेकेंड डाइस इज ऑड, और सेकेंड डाइस में क्या आया है, आपका ऑड नंबर आया है, देन टेबल्स इन फ्लोर 4 ऑफ बिल्डिंग बी विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द फ्लोर 4 ऑफ बिल्डिंग ए एंड सी। ठीक, क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी जो पहली वाली है उसमें इवन और सेकेंड वाली में ऑड आए तो जो टेबल्स हैं फ्लोर 4 की ऑफ बिल्डिंग बी, यानी कि ये 67 जो है, ठीक है, 67 को आप इक्वली डिवाइड कर दोगे, और किस में बांट दोगे, जो फ्लोर नंबर 4 में ए और सी की बिल्डिंग है, यानी कि ये जो ए और जो सी है इसमें आप इक्वली बांट दोगे। अब देखो इक्वली, आप देखोगे कि 67 को मैं इक्वली कैसे बांट सकता हूँ या बांट सकती हूँ, तो आप देखोगे कि वो जो है आगे कंडीशंस लगा कर देंगे कि इसमें आप दो टेबल्स को और ऐड कर लीजिए या एक टेबल को माइनस कर लीजिए, ऐसे करके वो आपको कंडीशंस लगा कर देंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है कि आपको पढ़ते पढ़ते भी लगे कि अरे यार ये तो हो नहीं सकता, तो जब ये नहीं हो सकता मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, एंड फिर आप उसको स्किप कर देते हो। ठीक है, तो यही होता है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समय देने का मतलब यही है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उनके क्वेश्चन पर जाएं, उन मतलब स्टेटमेंट पूरा पढ़ें, फिर उनके क्वेश्चन पर जाएं और फिर अपने कंक्लूजन पर आएं। ठीक है, तो समय देना पड़ता है, आपका पेशेंस का जो लेवल होता है वो चेक करा जाता है। बैंक के एग्जाम में पूरा बीपी चेक होने लगा है अब तो, है ना। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ द नंबर अपेयर्स इन फर्स्ट डाइस, अगर आपका जो नंबर अपेयर है फर्स्ट डाइस में, ठीक है, फर्स्ट डाइस जो है उसमें अगर आपके नंबर जो है वो
ऑड आता है पहले में ऑड, पहले आपकी कंडीशन क्या थी कि पहले में इवन दूसरे में ऑड, अब आपकी कंडीशन ये है कि पहले में ऑड दूसरे में इवन होगा, है ना। हाँ, सेकेंड डाइज इज इवन, देन द टेबल्स इन फ्लोर वन ऑफ बिल्डिंग सी, तो आपकी जो टेबल्स हैं फ्लोर वन बिल्डिंग सी यानी कि 96 विल बी डिवाइडेड इक्वली फ्लोर टू ऑफ थ्री बिल्डिंग्स। तो 96 को आप इक्वली डिवाइड कर दोगे किसमें, फ्लोर टू की इन तीनों में, तो जैसे कि 3 3 9, 3 2 6, 32 आ रहा है, 32 आप तीनों में ऐड कर दोगे। तो ये इन्होंने कंडीशंस दे दी। अब आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट फाइव टेबल्स वर एडेड टू ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी, कि आपकी जो फर्स्ट फाइव टेबल्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा बिल्डिंग बी के ईच फ्लोर में। सो बिल्डिंग बी के ईच फ्लोर में अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60, 19 का क्या हो जाएगा 24, 65 का हो जाएगा 70, एंड 65 का कितना हो जाएगा 7 8 9 10, 72। ठीक, तो बिल्डिंग बी के अब सारे फ्लोर में क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर हो गए आपके 4, सॉरी यहाँ पर आपके ये नए नंबर्स आ गए चारों। देन इसके बाद कह रहे हैं देन थ्रो द डाइस, अब आप डाइस फेंकते हो। ठीक, डाइस फेंकने के बाद क्या आता है, इफ बोथ नंबर्स आर ऑड, अगर आपके दोनों नंबर ऑड हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सी में कितनी टेबल्स होंगी, मतलब आपकी जो बिल्डिंग सी है इसमें टोटल कितनी बिल्डिंग्स होंगी, ये इन्होंने पूछा है। ठीक है, आई एम सॉरी, जितनी जो आपकी बिल्डिंग सी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टेबल्स क्या होंगी, ये आपको बताना है। मैं शायद उल्टा बोल गई थी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने कंडीशन क्या दी है इसके लिए। देखो, इन्होंने कंडीशन ये दी है इसके लिए कि इफ नंबर अपियर बोथ डाइस आर ऑड, अगर आपके दोनों ऑड आते हैं देन द टेबल्स इन फ्लोर थ्री ऑफ ईच बिल्डिंग्स विल बी एडेड एंड विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 रिमेनिंग ऑफ थ्री बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपका जो फ्लोर थ्री है इनको एड कर लो, कितना हो जाएगा 40, 70 एंड 52, राइट, क्योंकि आपकी ये कौन सी हो गई, इसमें 65 में आपने 5 एड कर दिया ना, तो कितनी हो गई है 70, एड कर लो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 4 9 7 16। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनको 1 2 एंड 3 बाकी के तीन में डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करोगे, 162 को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे किससे, 9 से। तो 9 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका 18, यानी कि अब आप यहाँ पे हर एक में क्या करोगे 18 18 18 को एड कर दोगे। ठीक है, तो 18 18 ऐड कर दोगे, तो उन्होंने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टेबल्स बतानी है बिल्डिंग सी में। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है यहाँ पे, 18 प्लस करोगे 96 आप ले लो पहले, ठीक है, 96 के बाद क्या होगा 38 हो जाएगा, ठीक है, 38 के बाद 52 हो जाएगा, 52 के बाद 47 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने ये कहा है कि जो आपका फ्लोर नंबर थ्री है, ठीक है, फ्लोर नंबर थ्री है, फ्लोर नंबर थ्री के जो सारी टेबल्स हैं उनको रिमेनिंग बाकी में बांटा गया है, जो बाकी के आपके 9 है, यानी कि अब जो 18 18 बढ़ेंगे वो 18 इसके बढ़ेंगे, फ्लोर नंबर टू के, फ्लोर नंबर वन के, फ्लोर नंबर टू के और फ्लोर नंबर फोर के बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पहली बात जो आपका 52 है ये हट जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, और ऐड करके इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसकी जो आपकी टेबल्स हैं ये बाकियों में बांट दी गई हैं, यानी कि ये कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक, तो 18 18 और 18, ठीक है, तो तीनों 18 को आप लोगे तो 18 3 कितना होता है आपका 54, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 54। ठीक है, अब आप इसे ऐड कर लीजिए, तो 54 को अगर आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 और 8 कितना हो गया आपका 18, 18 और 7 कितना हो गया 25। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे 9 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए आपके 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 23। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 235। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो टेबल्स आपने ऐड कर लिए आप उन्हें हटा दो। दूसरी बात ये भी कि यहाँ पे जो 18 है, देखो हमने फ्लोर नंबर 3 में 18 नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हमने ये वाला तो हटा दिया ना, इसकी टेबल्स को ले लिया, ये हमने ऐड करके बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इनको नहीं लिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं का आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी,
नेक्स्ट कह रहे हैं डाइस वर थ्रोन ट्वाइस, कि यहाँ पे डाइस जो है उनको दो बार फेंका जाता है. इफ बोथ नंबर्स आर इवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट नंबर इज इवन एंड सेकेंड नंबर इज ऑड, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इन फ्लोर फोर ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स. तो यहाँ पर आपको फ्लोर फोर पर टोटल बताना है. तो बेसिकली आप पहला ऑपरेशन इसमें फॉलो करेंगे, फिर आप सेकेंड करेंगे और आंसर बताएंगे. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इफ नंबर अपेयर्स ऑन बोथ डाइस आर इवन, सो बोथ डाइस आर इवन, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्लोर टू ऑफ बिल्डिंग ए विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग फोर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी. तो यानी कि 84 को आप जो बिल्डिंग बी है इसमें आप क्या करोगे, इक्वली डिवाइड कर दोगे. तो यहाँ पे चार है ना, तो 84 को चार से डिवाइड करो कितना आ जाएगा आपका, 21. शायद मैं इससे पहले 41 बोल गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी इससे पीछे जब मैं इसे एक्सप्लेन कर रही थी. ठीक कर लीजिएगा, शायद मैंने 41 बोल दिया है गलती से. ठीक है, तो 21 है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्डिंग ए में फ्लोर हो जाएगी, यहाँ पे टेबल हो जाएगी फ्लोर वन पे 23, सेकेंड पर हो जाएगी 0 बिकॉज 84 बाकी में डिवाइड कर दिया गया है, देन हो जाएगा 40 एंड 33. ठीक है, 55 में आप 21 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका, 76. 19 में आप 21 आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 40. 65 में आप ऐड करेंगे तो 86, एंड 67 में आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88. राइट, रेस्ट आपका 47, 52, 38 एंड 96 ऐसे उतार देंगे. इसके अलावा फिर इन्होंने ये कहा है सेकंड में कि इफ द नंबर अपियर इन फर्स्ट डाइस इज इवन, अगर आपका जो फर्स्ट डाइस में इवन है एंड द सेकंड डाइस इज ऑड, और सेकंड डाइस में क्या है, ऑड है, तो आपका जो टेबल्स इन फ्लोर फोर है ऑफ बिल्डिंग बी, तो यानी कि ये जो बिल्डिंग बी की टेबल नंबर फोर है इसके इक्वली 33 एंड 47 में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. तो 44 आप इसमें कर दोगे, 44 आप इसमें कर दोगे. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 91, 7 और 4 11, 4 4 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, 77. क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि देन टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इन फ्लोर फोर ऑफ ऑल बिल्डिंग, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी हो गई, तो यहाँ पे बीच में कितनी हो गई, 0, क्योंकि 88 दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया. तो 77 और 91 को आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये, 168. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, अंडरस्टूड है कि जब भी आपके कोई भी दो ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में फॉलो करवाए जाते हैं तो सीक्वेंस में जो पहले आता है आप उसको पहले फॉलो करते हैं, दूसरे वाले को बाद में फॉलो करते हैं. ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. फिर इन्होंने कहा है इफ बोथ नंबर आर इवन देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेबल इन बिल्डिंग बी. बोथ नंबर आर इवन में क्या कहा था इन्होंने कि द टेबल्स इन फ्लोर टू ऑफ बिल्डिंग ए विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द फोर फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग बी, है ना. तो यहाँ पर क्या था, 21 था, तो कुछ नहीं करना है, 55 प्लस 19, 65 एंड 17 इनको एड कर लो. 5 और 5 10, 19 और 7 कितने हो गए, 26. 5 6 7 और 1 8, ठीक है, 8 के बाद 6 और 6 12, तो 12 और 8 को प्लस करो कितना हो जाएगा, 20. तो कितने हो गए ये, टोटल हो गए 206, और 206 में आप देखोगे 21 इसमें ऐड होगा, 21 इसमें ऐड होगा, 21 इसमें और 21 इसमें, यानी कि चार जगह ऐड होगा. टोटल क्या ऐड होगा, 84. तो यानी 84 आप इसमें डायरेक्ट प्लस कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 290. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. ओके, फिर इन्होंने ये कहा है कि डाइस वर थ्रोन वंस, डाइस जो है वो एक बार फेंकी जाती है. इफ फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड द सेकेंड नंबर इज इवन, पहला नंबर क्या है, ऑड है, और सेकेंड नंबर क्या है, इवन है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चेयर इन बिल्डिंग ए. तो आपकी जो बिल्डिंग ए है इसमें टोटल नंबर ऑफ चेयर क्या होगी. तो देखिए फर्स्ट ऑड और सेकेंड इवन में क्या होता है, तो अगर आपका जो फर्स्ट ऑड है और सेकेंड इवन है कि दो टेबल्स हैं फ्लोर नंबर वन की बिल्डिंग सी में, यानी कि 96, इनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है फ्लोर टू की थ्री बिल्डिंग्स में, यानी कि इन तीनों में डिवाइड कर दिया जाता है. तो 96 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32, यानी कि 32 इसमें, 32 इसमें और 32 इसमें ऐड कर दिया जाएगा. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने, क्वेश्चन ये कहा है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन बिल्डिंग ए, यानी कि 23, 84, 40, 33 और 32, इसको आपको ऐड करना है बेसिकली. तो इसको ऐड कर लो, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12. जस्ट अ सेकेंड, इफ द नंबर अपेयर्स ऑफ फर्स्ट डाइस इज ऑड सेकेंड इज इवन देन द टेबल ऑफ फ्लोर नंबर वन ऑफ बिल्डिंग सी विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द फ्लोर ऑफ टू ऑफ थ्री बिल्डिंग. यस ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन बिल्डिंग ए, सो 4, 5, 6, 7, 10 और 2 12. ठीक है,
आठ नौ दस और एक 11, 11 और चार 15, 15 16 17 18 19 20 21, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे 212। टोटल नंबर ऑफ चेयर होंगे यहाँ पे 212। तो 212 आपका ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन होगा नन ऑफ 30। ठीक है, चलिए ये मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन रखे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जो बाकी के क्वेश्चन है उनको व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।